जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा नवंबर 2020 में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? आपको पता है तो बताइए, ए या बी या सी या डी, कौन सा आएगा इसके अंदर? आपको बता दूं, बी आएगा, आपका आंसर बी होगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इसमें आपका कौन सा उत्तर आएगा? तो मैं बता दूं, यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक यानी कि होगा, इसके अंदर कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 8 तारीख को जो सेकंड पारी में पूछा गया था। तो इसके अंदर आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा? इनपुट डिवाइसेस। फिर क्वेश्चन आएगा चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? राजस्थान पुलिस 2020 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन था। तो इसमें आएगा आपका क्वेश्चन, ये उत्तर सही हो जाएगा डी। तो इसमें आएगा लाइट पेन। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रिंट, यह क्वेश्चन सही हो जाएगा डी, प्रिंट आएगा। फिर क्वेश्चन आए 6, आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन डी, डी सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, डेटा प्रिंट करे या डाटा देखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो मैं यहाँ पे बता दूँ, आपका ए सही हो जाएगा, प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहा जाता है? ये भी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सामने जो लिख रहा है ये सारे राजस्थान पुलिस क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कंप्यूटर का मॉनिटर VDU को कहा जाता है, ए सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी, इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस, यानी कि बी सही हो जाएगा। फिर आता है HD, VGA आदि शब्द निम्न में से संबंधित हैं, ये भी राजस्थान पुलिस में 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि ए सही हो जाएगा, गुणवत्ता प्रदर्शन। ठीक है दोस्तों, गुणवत्ता प्रदर्शन। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि कौन इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रिंटर नहीं होगा, आपने गलत बता दिया है। यहाँ पे मैं आपको चेक कर रहा था कि आप सही बताते हो, यहाँ पे आएगा आपका ए, डिजिटल कैमरा, इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी कि कौन से होते हैं? तो आपको बता दूं, यहाँ पे सी आपका सही आंसर होगा, टच पैड और माउस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटो कॉपी मशीन की तरह कार्य करता है, जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब उसका उपयोग किया जाता है, और अधिक उपकरण प्रोसेसिंग के लिए इस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका इसके अंदर आपका सही हो जाएगा डी, इसने स्कैनर, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर चौदह, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग हैं को उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो आप बता सकते हो क्या? तो इसके अंदर होगा आपका बी, इनपुट डिवाइस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियर चित्र उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए होते हैं। यानी कि यह भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 तारीख को, जो आपके सामने मैं बता दूं, इसके अंदर होता है सी प्लास्टर। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि मैं भी एक राजस्थान पुलिस में लग गया और इसी क्वेश्चनों को फटाता, और आज मैं राजस्थान पुलिस में जॉब कर रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और मैं देख लो आपके सामने जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।